हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एग्जामिनेशन। जब आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता है किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट कौन सा सिलेबस है आपका। आपको सिलेबस ही समझ नहीं आता है, आपको सिलेबस कॉलेज से मिल जाता है बट आपको पता नहीं चलता है इस सिलेबस में कोर्स कैसे है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो लिखा होता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। तो मैं आज आपको ये सिलेबस बताने वाली हूँ। ये जो आपको सिलेबस की मिलता है ये आपको कॉलेज से फ्री में मिलता है या आपको किसी को शॉप पे फ्री में मिल जाएगा बीएड का सिलेबस। तो देखते हैं जब बीएड का सिलेबस कैसे होता है। देखिए, अंदर से कुछ बीएड का सिलेबस इस तरह होता है, तो आपको समझ नहीं आता है लिखा क्या है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बीएड फर्स्ट ईयर का इसमें देखना है। देखिए, आपके बीएड फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का लिखा होता है। इसमें इस तरह के काफी चीजें लिखी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं एंड आपको समझ नहीं आता है फिर। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर जहाँ लिखा है आपको सिर्फ वहां पे जाना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है बीएड फर्स्ट ईयर, इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है सीसी वन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। जो सबका क्या होता है, चार सब्जेक्ट आपके बीएड में ऐसे होते हैं जो सबके कंपल्सरी होते हैं, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, साइंस का, कॉमर्स का, किसी भी स्ट्रीम से उसने अपनी ग्रेजुएशन की हो। तो आपका सीसी फर्स्ट क्या, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आपका सीसी टू सब्जेक्ट आ जाता है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आपका सीसी थर्ड क्या आ जाता है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। सीसी फोर आ जाता है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो चार सब्जेक्ट है ये कंपल्सरी होते हैं। दो सब्जेक्ट आपके होते हैं पीसी वन एंड पीसी सेकंड। ये क्या होता है, ये होते हैं आपके पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस के बेस पे मिलते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के बेस पे मिलते हैं, एंड अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आर्ट के बेस पे मिलते हैं। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे मेन होते हैं। एंड ये जो चार सब्जेक्ट है ये सबके क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हो। तो आपको दो सब्जेक्ट सबको अलग अलग लेने होते हैं। एंड इसके अलावा आपको क्या होता है, जो ये लिखा है आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको क्राफ्ट फाइल बनानी पड़ती है एंड आपको जो असाइनमेंट होता है वो बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको क्या होता है, स्कूल से अपनी जो कॉलेज है उससे लेसन प्लान मिलता है, मैं आपको लेसन प्लान भी दिखाऊंगी। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या होता है, चार तो आपके मेन सब्जेक्ट इक्वल होते हैं जो सबके पास एक जैसे होते हैं, एंड दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप कहते हो टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपको जब आपको स्कूल में मैक्रो या माइक्रो टीचिंग करवाने ले जाते हैं तो क्या होते हैं, ये दो सब्जेक्ट आपको वहां जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाने पड़ते हैं। तो ये आपका इस तरह से 600 मार्क्स का बन जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे आप देखोगे आपको बीएड सेकंड ईयर का दे रखा है, जब बीएड सेकंड ईयर में आओगे इसकी तब हम बात करते हैं। ये आपको इस तरह से कोर्स दे रखे हैं, तो आप ये देखकर थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर इसमें सिलेबस में दे क्या रखा है। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, अपना बीएड फर्स्ट ईयर का देखना है। अब हम बात करते हैं जो मैंने चार सब्जेक्ट बताए थे वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये सिलेबस में चार सब्जेक्ट का भी उन्होंने डिटेल में दे रखा है। पहला आपका जो आ जाता है सीसी वन, देखिए आपका है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो सबका कंपल्सरी है, उसके बारे में लिखा है, ये उसका सिलेबस है। एंड फिर आप देखोगे आपका आ जाता है सीसी टू, ये आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ये भी सबका कंपल्सरी है, ठीक है ना, उसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। एंड उसकी बुक्स भी लिखी रहती है कि आपको कौन सी बुक लेनी है, आपको ये वाली बुक लेनी है ये ले सकते हो, ये लेनी है ले सकते हैं, ठीक है, तो बुक्स भी दिए रखते हैं ये। फिर देखिए आपका जाता है सीसी थ्री आ जाता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है सबका, वही कोर्स कंटेंट दे रखा है कि कोर्स में क्या क्या होता है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में आप बीएड कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश में बुक्स आती है, हिंदी के हो हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में भी देखिए बुक्स ले सकते हो। देखिए लिखा है, अगर आपको ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बुक लेना चाहते हैं तो राइटर ये रहे, और हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी वाले ये रहे, तो सब बुक के राइटर भी दे रखे हैं। आप अपने टीचर से पूछकर बुक्स जो उनसे अच्छे वो ले सकते हो। एंड सीसी फोर में क्या रहता है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट है जो सबका वही कंपल्सरी होता है। और कोर्स कोड भी आपको याद रखना है, सबसे मेन बात होती है आपको अपना कोर्स का सब्जेक्ट याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कोर्स कोड भी जरूर याद रखना है कि कोर्स कोड आपका कौन सा है, जैसे इसका कोड क्या है E104। तो ये चारों आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट थे वो तो खत्म हो गए, अब आ जाते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट। तो अब आपको ये देखना है कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट में कौन सा है, ठीक है ना, कि आपको ये वाला टीचिंग सब्जेक्ट है जो आपका CC5 है, इसकी भी बुक्स लिखी है, या आपका ये वाला है CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, या CC7 है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ये वाला,
तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, टीचिंग सब्जेक्ट। आप आर्ट साइड से हो तो वो आपको टीचर्स आपको बता देंगे, लेकिन जो चार सब्जेक्ट है वो सबके क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। अगर आप हिंदी से करें तो आपके देखो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज हिंदी वालों के हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश से हो, ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश इंग्लिश से हो जाएगा आपका ये टीचिंग सब्जेक्ट। दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं आपको याद रखने हैं। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस अगर आप सामाजिक विज्ञान से पढ़े हो, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जिसने अगर एमएससी वगैरह मैथमेटिक्स से किया तो उसको मैथमेटिक्स मिलेगा, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं साइंस साइड से हूँ, मैंने एमएससी साइंस साइड से की है और केमिस्ट्री से, तो मुझे मिला था पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें आपका मैं बता दूँ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट आपको वो मिलेंगे। जैसे मैंने बीएससी की है तो मेरे पास साइंस साइड थी तो मुझे मिला है, दो सब्जेक्ट लेने होते हैं, फर्स्ट मेरे पास है पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड सेकंड है मेरे पास बायोलॉजिकल साइंस। देखिए फर्स्ट मेरे पास लिया जाता है, उसकी बुक्स वगैरह सब लिखी है, एंड सेकंड जो मेरे पास टीचिंग सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो मेरे पास इस तरह से दो टीचिंग सब्जेक्ट है क्योंकि मेरे पास साइंस साइड थी। आपके पास आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है तो आपको उस बेस पे मिल जाएंगे। और देखिए अगर आप बीएससी, आपने बीएससी की है, अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आपको बायोलॉजिकल साइंस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास मैथ था तो आपको मैथमेटिक मिलेगा, बट आपके पास अगर बायोलॉजी या मैथमेटिक में से कुछ भी था, फिजिकल साइंस आपको मिलेगी मिलेगी, वो कंपलसरी होगी टीचिंग सब्जेक्ट में। बट बायो वाले हो तो बायोलॉजिकल साइंस मिलेगी, अगर आप मैथ वाले हो तो आपको मैथमेटिकल मिलेगी। इस तरह से ये सारे आपके टीचिंग सब्जेक्ट आ जाते हैं। बुक्स सबसे अच्छी बात है, बुक्स भी सब लिखी है इसमें, किस किस ने कंप्यूटर से किया तो पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस को मिल जाएगी। इस तरह से आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं। आपको बीएड में क्राफ्ट फाइल भी बनानी पड़ती है, एंड आपको असाइनमेंट मिलते हैं, कॉलेज से आपको लेसन प्लान मिलेगा जिसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं, आपकी माइक्रो टीचिंग होती है जो आपके कॉलेज में करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, बच्चों को जो आपके क्लास के स्टूडेंट आपके क्लासमेट वो बैठ जाते हैं सीट पर, मतलब आप उन्हें मान लेते हो कि वो सब क्या है, आपके स्टूडेंट और आप टीचर हो, तो आपको बोर्ड पर जाकर पढ़ाना होता है। माइक्रो टीचिंग जो है किसी भी स्कूल में जाके करवाते हैं आपके कॉलेज वाले, कोई भी स्कूल चूज कर लेते हैं एंड उसमें जाके आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आपको मैं मैक्रो और माइक्रो लेसन प्लान भी अच्छे से दिखा दूंगी। तो मैंने सिलेबस तो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको ज्यादा नहीं, अगर आपको सिलेबस समझने में कंफ्यूजन होता है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में और आपको सिलेबस नहीं पता चल रहा है किस तरह, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बीएड फर्स्ट ईयर जहां लिखा है जो ये चार सब्जेक्ट स्टार्टिंग के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ग्रोइंग अप एज अ लर्नर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट तो आपको मिलेगी मिलेगी। और दो सब्जेक्ट जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होगी आपके मेन होगे, ये आपके ग्रेजुएशन के बेस पर बेस्ड होगे, तो ये आप अपने कॉलेज में टीचर से भी पूछ सकते हैं, बट आपको ये चारों तो मिलेंगे। इन चारों की बुक्स नोट्स वगैरह सब मैं आपको दिखा दूंगी, और इन दोनों की भी दिखा दूंगी जो मेरे पास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर मुझे बताना।